रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये नारा आप सभी ने जरूर सुना होगा। कहते हैं कि अधर्म पर धर्म की विजय होकर रहती है। जब भगवान श्री राम रावण का वध कर लंका से अयोध्या आए थे, तब से आज तक हम दिवाली मना रहे हैं और एक बार फिर ऐसा ही कुछ होने वाला है रामलला की भूमि पर। रामलला एक बार फिर घर वापसी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, पूरे देश का इंतजार अब खत्म हो गया है। आखिरकार वो तारीख आ ही गई जब रामलला की प्रतिमा मंदिर में स्थापित होगी। कौन सी है वो तारीख, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो के अंत में हम आपको राम मंदिर से जुड़ी एक रोचक बात भी बताएंगे। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में मंदिर का निर्माण कार्य जोरों पर चल रहा है। विधिवत पूजा के बाद मंदिर के गर्भगृह की आधारशिला 1 जून को सीएम योगी आदित्यनाथ रखेंगे। आपको बता दें कि श्री राम मंदिर के गर्भगृह का निर्माण लाल पत्थर से हो रहा है। वहीं राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी का कहना है कि मंदिर का निर्माण पूरा होते ही रामलला 24 जनवरी 2024 के शुभ मुहूर्त में मंदिर के गर्भगृह में विराजमान होंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक श्री राम मंदिर के चबूतरे के निर्माण में 17,000 ग्रेनाइट पत्थर का इस्तेमाल किया जाना है। वहीं अभी तक इस चबूतरे में 5,000 से अधिक पत्थर लगाए जा चुके हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये सबसे मजबूत पत्थर होता है, इसके लिए कर्नाटक से 17,000 ग्रेनाइट के स्लैब मंगाने पड़े। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अयोध्या का राम मंदिर 161 फीट ऊंचा और 350 फीट लंबा होगा, जबकि इसकी चौड़ाई 255 फीट होगी। मंदिर के अंदर एक साथ 1,00,000 श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए प्रवेश दिया जा सकेगा। 108 एकड़ विशाल राम मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के विश्राम और प्राथमिक चिकित्सा सहित सभी मूलभूत सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाएगा। मंदिर के अंदर भक्तों को श्री राम से जुड़े साहित्य और मूर्तियों के माध्यम से संपूर्ण रामायण देखने की सुविधा भी मिलेगी। 9 नवंबर 2019 को अयोध्या की विवादित जमीन पर रामलला विराजमान का हक मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला मंदिर के पक्ष में सुनाया। इसके साथ ही चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की विशेष बेंच ने राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए अलग से ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया है। इसके बाद 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री ने संसद में ट्रस्ट के गठन का ऐलान किया। इस ट्रस्ट का नाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र रखा गया। तो दोस्तों आप रामलला के बारे में क्या कहना चाहेंगे, अपना जवाब हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें और जय श्री राम अवश्य लिखें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।